जय हिंद। देखिए, थंबनेल देख के अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब आप समझ गए हैं कि आपको ये वीडियो क्यों देखना है। फिर भी मैं बता दूं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे हो गया, रेलवे में ALP हो गया, ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, या फिर SSC का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, CGL, CHSL, MTS, या बिहार SSC हो गया, बिहार CGL हो गया, BPSC हो गया, BPSC TRE का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, बिहार सक्षमता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसे ही सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसमें लगभग 50 से ज़्यादा सवाल है। मैं चाहूँगा कि आप इसको टेस्ट के तौर पर देखिए और लास्ट में कॉमेंट करके बताइए कि आपका 50 में से कितना सवाल सही हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्लो लगे तो आप चाहे तो स्पीड में देख सकते हैं, 1.25x में देख लीजिए। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? ऑप्शन है छाती, सिर, गला या फिर उदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, गला। अगर आपको यहाँ पे दिखाएं, देखिए ये है जो दिख रहा है आपको, इस शेप में ये होता है आपको थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लैरिंग्स है और ये ट्रैकिया है। थायराइड ग्लैंड का में हार्मोन जो निकलता है, उस हार्मोन में अगर डिसबैलेंस होता है तो आपको क्या हो जाता है, घेगा रोग होने के चांसेस होता है, ठीक है। और इसीलिए जो है आयोडीन आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए ताकि क्या हो कि घेगा रोग ना हो। आमतौर पर प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग का होता है? जड़ का, तना का, फूल की कली का या फिर फल का? आई होप आपने आंसर लगा दिया होगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही आंसर है, फूल की कली का, ठीक है, फूल की कली का। और ये क्वेश्चंस बार बार पूछा गया, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानाडे, महात्मा फूले या फिर नरेंद्र दत्त? तो आंसर देखिए इसका क्या होगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, महात्मा फूले। लास्ट में आपको कॉमेंट करके बताना है 50 में से कितना सवाल आपका सही हुआ है। हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1764 में, 1526 में, 1576 में या फिर 1857 में? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 1576। 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? स्मिता पाटिल, नरगिस दत्त, मीना कुमारी या फिर मधुबाला? तो आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका आंसर जो होगा बी नंबर सही आंसर होगा, नरगिस दत्त, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, नरगिस दत्त। भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन देख लेते हैं, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, मदर टेरेसा या फिर लीला सेठ? ठीक है, सवाल पूछ रहा है भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी कौन थी, सर्वप्रथम भारतीय प्रधान महिला प्रधानमंत्री भी थी, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। संसार में सर्वप्रथम बारूद जिसको हम लोग गन पाउडर बोलते हैं का आविष्कार किसने किया था या फिर कहाँ पे हुआ था? मिस्र में हुआ था या फिर चीन में, यूनान में या फिर भारत में? तो आई होप आपने आंसर इसका लगाया होगा। इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको चीन में, ठीक है, चीन में जो है गन पाउडर का आविष्कार हुआ था। और आपको कमेंट करके बताना है चीन का कैपिटल क्या है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अल्फावेट की सहायक कंपनी नहीं है? देखिए ऑप्शन में यहाँ बोल रहा है नहीं है, कई बच्चे क्या करते हैं इसको जल्दी में देख के गूगल में टिक करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि नहीं है। ऑप्शन क्या है, ये RRB NTPC के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन देखिए क्या है, गूगल, टेलीको, नेस्ट लैब्स या नेस्ट लाइफ? तो देखिए गूगल भी अल्फावेट कंपनी का अल्फावेट का सहायक कंपनी है, नेस्ट लैब भी सहायक कंपनी है और नेस्ट लाइफ भी सहायक कंपनी है, लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन बी जो है टेलीको, ये गूगल का सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन कई बच्चे यहाँ करते हैं सीधा देखता अल्फावेट, अल्फावेट के सीधा गूगल में एक मार के चला जाता है, क्योंकि सबको मतलब पता है कि गूगल कौन है, गूगल क्या है, अल्फावेट का सही सहायक कंपनी है। लेकिन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, ये सब माइनर मिस्टेक नहीं करना है जो आपको सिलेक्शन से दूर लेके जाता है। वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? मोरारजी देसाई, फखरुद्दीन अली अहमद, VP सिंह, इंदिरा गांधी? तो देखिए यहाँ बोल रहा है वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पूछ रहा है। राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। इसको कैसे याद रखेगा, ऐसे याद रख सकते हैं फखरुद्दीन अली अहमद को पकड़ था राष्ट्रपति शासन लगाने के समय, ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, कुछ भी ना कुछ ट्रिक लगा के आप याद रखिएगा तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इवरग्रीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। देखिए, अगर आप ऐसे सवाल का रिवीजन नहीं करते हैं तो जब बहुत दिनों के बाद ऐसा सवाल आता है तो आपको लगता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन देखिए, आपको लगेगा अरे ये भी था, ये भी था, ये भी था, और वहीं पे कहीं ना कहीं गलती हो जाता है और ऐसे क्वेश्चन छोड़ा भी नहीं जाएगा आपको एग्जाम में के समय में, क्योंकि लालच आ जाता है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अच्छा, मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? मौर्य साम्राज्य का स्थापना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य किया था। ठीक है, उसके बाद आपसे एक और सवाल पूछता है, अशोक जो था, अशोक कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक, तो अशोक जो है कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको भी ध्यान में रखना। कौन सी योजना की अवधि लंबी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको पूछा गया, ये रेलवे के एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। ठीक है, जो योजना होता है ना, योजना से लिए पंचवर्षीय योजना से आपको एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनता है। तो ऑप्शन है प्रथम, चतुर्थ, पंचम या फिर षष्ठ। आई होप आपने आंसर इसका सही लगा दिया होगा। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी सही आंसर है, षष्ठ। ठीक है, षष्ठ जो ये छठी जो योजना थी पंचवर्षीय योजना, उसका अवधि सबसे लंबा था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर, दीव, कोलकाता, तिरुपति। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और एक चीज़ याद रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पूछ लेता है कितना द्वीप समूह है, तो इसमें जो है 572 द्वीप समूह है। वहीं पर अगर लक्षद्वीप का पूछ लेगा, लक्षद्वीप का पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा? लक्षद्वीप में हो जाता है 36। ठीक है, 36 छोटा छोटा द्वीप समूह है। तो ये सवाल बनता है, रडार का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज ईस्टमैन ने, रॉबर्ट वाटसन वाट ने, जे एल बेयर्ड ने, या ग्राहम बेल ने? तो देखिए, ग्राहम बेल इसकी ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसने किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन का। जे एल बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया था। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर रडार का अगर पूछेगा तो आपको बताना है रॉबर्ट वाटसन वाट ने। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट वाटसन वाट ने ऐसे सवाल पूछेगा एग्जाम में। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? क्रोमियम व निकेल, निकेल व तांबा, क्रोमियम व ग्रेफाइन, बेंजीन व एसीटोन। देखिए, ये जो स्टील है, स्टील कैसे बनाया जाता है? तो आयरन होता है, आयरन में कार्बन मिलाने से क्या बनता है? स्टील बन जाता है। और इसी में आपको अगर निकेल और क्रोमियम मिला दिया जाए तो ये स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ठीक है, निकेल और क्रोमियम और निकेल। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, क्रोमियम और निकल तब बनता है स्टेनलेस स्टील। ये वीवीआई क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया हुआ है, तो शायद रिपीट होने के चांसेस हो, ध्यान देना। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक। ठीक है, लोकमान्य तिलक। अब देखिए, इसको कैसे याद रख सकते हैं ट्रिक से? गीता लिखने के लिए वो तिलक लगा के बैठा, गीता लिखने वो तिलक लगा के बैठा, तो ऐसे भी याद कर लीजिए। ये सब ट्रिक्स अगर याद करते हैं तो लंबे समय तक जीके जीएस याद रहता है और आसान भी हो जाता है याद करना। त्वचा में स्थित कौन सा वर्णक सूर्य की परावैगनी के विकिरण से बचाता है? बेसिकली ये पूछ रहा है कि त्वचा में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलानिन, थायरोक्सिन। देखिए, क्लोरोफिन तो नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है? ये लीफ में पाया जाता है। ठीक है, पत्ते में पाया जाता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही पत्ते का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? जो आपको सूर्य से किरण आता है उसको अवशोषित करता है, स्टोर करता है, और फिर जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन क्या होगा? हीमोग्लोबिन तो ब्लड में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग क्या होता है? रेड होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी मेलानिन। मेलानिन की वजह से ही स्किन का जो है कलर डिसाइड होता है। ठीक है, स्किन का कलर डिसाइड होता है मेलानिन की वजह से। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? सिंध में, राजस्थान में, गुजरात में, बलूचिस्तान में? अमरी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंध। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है और चैनल को भी थोड़ा हेल्प मिलता है ग्रो करने में। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? देखिए, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये। पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, गैलियम,
यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पूछ रहा है अधातु, धातु नहीं पूछा है। दो सवाल पूछेगा, एक तो पूछेगा आपको अधातु के बारे में, एक पूछेगा धातु के बारे में। अधातु के बारे में जब भी पूछेगा तो आपको आंसर देना है ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। और धातु के बारे में जब भी पूछेगा तो आपको बताना है पारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन, क्योंकि यहाँ पूछा है अधातु के बारे में। वही अगर पूछता कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में रहता है, तो आंसर क्या हो जाता है, पारा। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ से सवाल जरूर बनेगा। मलेरिया को डैश से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है। आरआरवी एनटीपीसी 2019 का सवाल है ये। तिनकोना वृक्ष, वेलोडोना वृक्ष, अमलतास वृक्ष या फिर बलुत वृक्ष। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, सिनकोना वृक्ष। ठीक है, जहाँ भी मलेरिया दिखे उसका दवा दिखे, दवा से सवाल पूछ रहा है, तो आपको सिनकोना वृक्ष याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मायोपिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, को ठीक किया जाता है अवतल लेंस से, अवतल दर्पण से, उत्तल लेंस से या फिर उत्तल दर्पण से। जब हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ते हैं तो दो तरह का दर्पण पढ़ते हैं, एक होता है आपको अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, दर्पण पढ़ते हैं। और जब हम लोग लेंस पढ़ते हैं तब भी हम लोग दो ही चीज़ पढ़ते हैं, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है क्या, उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल दर्पण कैसा होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से यहाँ पे अगर इसकी सेट कलर करते हैं तो ये बनता है अवतल दर्पण। ठीक है, और उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण में अंदर के साइड रंग किया रहता है और बाहरी परावर्तक सतह रहता है, मतलब इधर से रोशनी जाके इधर से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, इधर से ये हुआ आपको उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण में क्या होता है, इधर से रे जाता है और इधर से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इस तरह से आएगा और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये हुआ अवतल दर्पण। ठीक है ना, अच्छा इसको याद कैसे रखना है, देखिए अवतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव, केव, ये देखिए गुफा का जैसा दिख रहा है, यहाँ पे गुफा में घुस रहे हैं तो केव से याद रखना है, कॉनकेव। ये हो जाएगा कॉनवेक्स, कॉनवेक्स। ठीक है, अवतल लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस इस तरह से रहेगा, बीच में वो पतला रहता है किनारे के हिसाब से, और ये हुआ अवतल लेंस। ठीक है, इसको इसको ही कॉनकेव, कॉनकेव लेंस बोलते हैं इंग्लिश में। और उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस इस तरह से रहेगा, बीच में मोटा रहेगा, साइड साइड में क्या होता है, पतला होता है, ये हुआ उत्तल लेंस। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ याद रखना कि जैसे उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल लेंस क्या करता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट जाके ये यहाँ पे अभी सारी लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, लेंस को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, ये डाइवर्ज करता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं अप सारी लेंस, क्योंकि ये लेंस को इस तरह से फैला देता है, कौन, अवतल लेंस। तो इसको अप सारी लेंस भी बोलते हैं और इसको अभी सारी लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ पे कन्वर्ज कर देता है, लेंस को यहाँ पे लाता है। ठीक है ना, फोकस एक जगह फोकस कर देते हैं यहाँ पे, तो इसको उत्तल लेंस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, इसका आंसर होगा अवतल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मायोपिया में। तो याद कैसे रख सकते हैं, तो वो मायोपिया जहाँ लिखा रहेगा ना पिया, तो लास्ट में आ का साउंड होता है, आ किस में हो, उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस में से अ से आ से मतलब क्या बन सकता है, अवतल लेंस बन सकता है, तो ऐसे ट्रिक से याद रख लेना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, अग्नाशय, यकृत, लार ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। आई होप आपने इसका आंसर लगा दिया होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, यकृत। ठीक है, यकृत इसका सही आंसर होगा। और आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, ये सारे क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में, और ये सब इवरग्रीन क्वेश्चन है, ये सब कभी मतलब ऐसा नहीं कि ये 2016 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया तो ये सब नहीं पूछा जाएगा, यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। देखिए आरआरवी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम कॉर्पस, मिड ब्रेन। और ये जो क्वेश्चन है ना, अभी बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में। तो आंसर क्या होगा, सेरिब्रम हो जाएगा। ठीक है, सेरिब्रम क्या पूछ रहा है, मानव मस्तिष्क का कौन सा ऐसा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है, तो सेरिब्रम होता है। ठीक है, और टेम्परेचर ताप से रिलेटेड पूछेगा तो हाइपोथैलेमस आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सेरिब्रम किसका भाग होता है, तो आपको जो होता है ये फोर ब्रेन है, जिसको हम लोग अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क का ये भाग होता है सेरिब्रम, और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है पूरे ब्रेन का, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है, और एक होता है सेरिबेलम, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था, 1959 में, 1965 में, 1976 में या फिर 1977 में। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 1959 में। ठीक है, 1959 में जो है टेलीविजन का प्रथम कार्यक्रम प्रसारण हुआ था। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा एक सवाल और याद रखिएगा, 1973 में जो है ना प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में, यहाँ से सवाल बनता है।
विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? अभी ये रिसेंट पूछा गया बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में, और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एनटीपीसी में भी पूछा गया, रेलवे एनटीपीसी से 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डिकेंस, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर आइजेक न्यूटन। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, न्यूटन आपको पता ही होगा, न्यूटन के बारे में जो ये फोर्स के बारे में बताया था, तीन लॉ दिया था न्यूटन ने। ठीक है, उसके बाद आइंस्टीन के बारे में पता है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। भारत में कॉफ़ी के बारे में पूछ रहा है, का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, केरल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए कर्नाटक। ठीक है, केरल का कैपिटल क्या है? थिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु का चेन्नई है, महाराष्ट्र का मुंबई है, कर्नाटक का क्या है? बेंगलुरु है। समझ में आया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? देखिए ऑप्शन यहाँ में दिया हुआ है और पूछ रहा है नहीं पाया जाता है, कोयला, लौह अयस्क, खनिज तेल, मैग्नीज। तो देखिए खनिज तेल जो है नहीं पाया जाता है, बाकी कोयला पाया जाएगा, लौह अयस्क पाया जाएगा, मैग्नीज पाया जाएगा। कहाँ पे पूछ रहा है? पठारी क्षेत्रों में, लेकिन खनिज तेल जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, निजता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का एक अभिन्न अंग है? ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन देख लेते हैं, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, नागरिकता, मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन क्या होगा? मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। अच्छा कमेंट करके बताइए कि जो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य है ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है संविधान में। चलिए एक और सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल ये, बिहू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? असम, गुजरात, कश्मीर, सिक्किम। तो आई होप आप सभी ने इसका आंसर जरूर दे दिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए असम। असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर है। ठीक है, कई लोगों को लगता है असम का कैपिटल क्या है? गुवाहाटी है, पर गुवाहाटी नहीं है, दिसपुर है असम का कैपिटल। गुजरात का कैपिटल आपको पता ही होगा गांधीनगर है। सिक्किम का कैपिटल क्या है? गैंगटॉक है। ठीक है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? VBI क्वेश्चन है ये, SSC और रेलवे दोनों का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना है, SSC और रेलवे का कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। साहित्य, पत्रकारिता, फिल्म या खेलकूद। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। इस वर्ष भारतीय हॉकी दल ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, 1988 में, 1980 में, या फिर 1884 में, या फिर 1976 में। तो ऑप्शन बी याद रखना, और ये क्वेश्चन को रट जाओ अच्छे से, ये क्वेश्चन बनेगा, देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी पता है हॉकी में ये कुछ दिन पहले जो है ओलंपिक हुआ था उसमें हॉकी में मेडल जीता गया है, तो ये सवाल बन सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1980 हो जाएगा। ठीक है, और भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं। क्यों? नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, जिसकी वजह से जो हमारे केंद्र सरकार ने अनाउंस किया कि हर साल अब से 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? तो अभी हम लोग देख ही लिए थे इसका आंसर सीधा, बौद्ध धर्म अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। और अशोक कौन से साम्राज्य से बिलोंग करते हैं? तो मौर्य साम्राज्य से। ठीक है, मौर्य वंश से। अशोक का पिताजी का नाम था बिंदुसार, बिंदुसार का पिताजी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बाबरा किसके शासनकाल में विख्यात था? जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर या फिर शाहजहां। तो इसका आंसर क्या होगा? अकबर। ठीक है, अकबर के 9 रत्न आप सभी को पता होगा, अकबर इसका सही आंसर होगा। नटराज नृत्य के देवता की मूर्ति है पल्लव वंश की, चोल वंश की, मौर्य वंश की, काकतीय वंश की। देखिए ये क्वेश्चन इसीलिए VBI हो जाता है, फिर से पूछा जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है G20 का जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पे जो आपको बनाया गया था मंडपम दिल्ली में, तो उसमें आपको सबसे जो सामने में किसका मूर्ति रखा गया है? नटराज का ही मूर्ति रखा गया है, बहुत बड़ा सा मूर्ति रखा गया है। तो हो सकता है यहाँ से सवाल बन जाए, इसका आंसर होगा चोल वंश। ठीक है, याद रखना चोल वंश इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लो, मतलब कहीं ना कहीं अपने नोट्स में लिख लो इसको। प्रसिद्ध खजुराहों की गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। तो खजुराहों के गुफाएं कहाँ जाए? तो मध्य प्रदेश में है, MP में। ठीक है, मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल है। राजस्थान का जयपुर है। छत्तीसगढ़ का क्या है? रायपुर है। और महाराष्ट्र का सभी को पता ही है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यदि अमोनिया क्या है? गैस है। तो कपूर क्या है? देखिए RRB NTPC 2016 में पूछा गया सवाल है, क्या कपूर गैस है या फिर ठोस है या तरल है या फिर अर्ध ठोस है? तो ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा, ठोस है।
अच्छा एक सवाल और बनता है, ठोस से सीधा गैस में जो कन्वर्ट हो जाता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल पूछेगा तो एग्जाम्पल वही बताना है, कपूर ही बताना है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस। दाचिकम नेशनल पार्क कहाँ पर है? ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, केरल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। फ्लोराइड, देखिए ये भी बीपीएससी तैयारी में पूछा गया सवाल है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है दांतों को, वृक्क को, मस्तिष्क को, हृदय को। तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा दांतों को, ठीक है ना। अच्छा हृदय जो पूछ रहा है, हृदय हो गया। उसके बाद विटामिन सी का कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के कमी से क्या होता है ना, मसूड़ों में क्या होता है, खून आने लगता है, सूजन आने लगता है, जिसको हम लोग अस्कर्वी रोग बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। यहाँ से पूछता है, और विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन ए को क्या बोला जाता है? विटामिन ए को हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल बोलते हैं विटामिन ए को, रेटिनॉल बोलते हैं। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है याद रखने वाला। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या फिर राजस्थान। तो हरियाणा में इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? हरियाणा में। वर्ल्ड वाइड वेव के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, देखिए एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ सवाल है, टिम बर्नर्स ली, जॉन नेपियर, एलन बी डुमोट, जेपी एकर्ट। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली। रट लेना, इसे बस रटने वाला सवाल है। तो वर्ल्ड वाइड वेव यानी कि डब्ल्यू 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 का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है टिम बर्नर्स ली को। टोरोलॉजी, ठीक है, का अध्ययन है मच्छर, छिपकली, तिलचट्टा या सांप का। तो आंसर होगा छिपकली का, ठीक है। टोरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो छिपकली का। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था? अकबर ने, बाबर ने, शेरशाह ने, जहांगीर ने। तो आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा, इसका सही आंसर है अकबर, ठीक है। और बाबर जब भारत में आया था 1526 में, क्या किया था? पानीपत का युद्ध किया था। ये पानीपत का युद्ध 1526 में आता, पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है, बाबर। प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है? देखिए 2018 में पूछा हुआ सवाल है, रेलवे ग्रुप डी में, मदर ट्रेशा, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए अगर आपको नहीं पता होगा तो ज़्यादातर बच्चे इसमें महात्मा गांधी की तरफ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, एनी बेसेंट, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया किसने लिखा है? तो एनी बेसेंट लिखा है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 27 मई को, 9 जनवरी को, 7 अप्रैल को, 8 मार्च को। तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस तो 22 मार्च को मनाते हैं, और 22 मार्च को हम सभी लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं कमेंट करके बताना। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, 31 जून को, 31 मई को या फिर 11 जुलाई को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 मई को। और एड्स डे कब मनाते हैं हम लोग? 1 दिसंबर को, ठीक है। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, ठीक है, डॉक्टर्स दिवस, याद रखना डॉक्टर्स डे, कुछ इंपॉर्टेंट है याद रखना। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, आंत, प्लीहा यानी कि जिसको तिल्ली भी बोलते हैं या फिर अस्थि मज्जा। तो देखिए मलेरिया रोग होने से इसमें ऑप्शन सी जो होगा प्लीहा या तिल्ली जो है अंग प्रभावित होता है, कौन रोग होने से? मलेरिया रोग होने से, ठीक है। और अभी हम लोग देखे थे मलेरिया रोग जो है किसके दवाई के बारे में पूछेगा, तो सिंक्वेना ब्रिज बताना है, ठीक है। अस्थि मज्जा जिसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं, यहीं पे ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। और आरबीसी का पूछेगा जीवन काल के बारे में, तो 120 बना बताना है आरबीसी का। और मस्तिष्क से रिलेटेड अभी हम लोग देखे थे सेरिब्रम इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है जो अग्र मस्तिष्क का होता है, ठीक है। आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन अगर पूछता है तो खाना का जो पाचन होता है सबसे ज़्यादा पाचन, ज़्यादातर पाचन यहाँ पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंत में होता है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। अगर पूछता है सबसे कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ इंडिया जो है सबसे लार्ज बाउंड्री शेयर करता है। और वहीं पूछेगा सबसे छोटा, तो बताना है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो है इंडिया सबसे छोटा बाउंड्री शेयर करता है, समझ में आया।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम बोलते हैं CFC, इनमें प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए यहाँ पूछ रहा है नहीं, कई बच्चे क्या करेंगे जल्दी से देख के रेफ्रिजरेटर मार के चले जाएंगे, नहीं गलत है, यहाँ पे पूछ रहा है नहीं किया जाता है। तो आंसर क्या, रेफ्रिजरेटर में इसमें किया जाता है, एयर कंडीशनर में इसमें भी किया जाता है, पैकिंग सामग्री वगैरह इसमें भी किया जाता है। हाँ, मिक्सचर और चक्की में इसका कोई लेना देना नहीं, ऑप्शन से ही पता चलता है, मिक्सचर और चक्की से कोई लेना देना नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है, ओजोन जो लेयर होता है, ओजोन लेयर का, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, ठीक है, छेद हो रहा था। तो फिर एक मीटिंग किया गया 16 सितंबर 1987 को, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसको हम लोग बोलते हैं वहाँ पे, और तभी से जो है 16 सितंबर को ओजोन डे भी मनाया जाता है। ठीक है, देखिए ओजोन लेयर क्या करता है ना, जो सूर्य से आने वाला जो हार्मफुल किरण होता है उसको रोकता है, और CFC की वजह से जो है ओजोन लेयर में छेद हो रहा था, इसीलिए मीटिंग किया गया और 16 सितंबर 1987 को मीटिंग हुआ था, ये भी सवाल बनता है। और 16 सितंबर को हम लोग ओजोन लेयर मना ओजोन डे मनाते हैं। गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, RRB NTPC में पूछा गया है और ये सवाल आपको पूछता ही रहता है, ठीक है। SSC में भी ऐसा सवाल बनता है, हीलियम, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो देखिए बोल रहा है गर्म हवा के गुब्बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन। और जो वायुयान का चक्के में, तो हीलियम बताना है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन पता ही, वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। और जो हम लोग जो चिप्स वगैरह ला के खाते हैं, जैसे हो गया चिप्स, हो गया कुरकुरी, हो गया ये सब को, जो पैकेट में कौन सा गैस यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन गैस यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूध पिलाने वाली माँ का प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 30 ग्राम, 20 ग्राम, 70 ग्राम या 120 ग्राम। तो आई होप आपने इसका आंसर लगा दिया होगा, इसका आंसर होगा 100 ग्राम। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता है, सोडियम, क्लोरीन, आयोडीन, पोटेशियम। अब देखिए ये क्वेश्चन भी ना एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कई बच्चे क्या करेंगे सोडियम आंसर देंगे, सॉरी आयोडीन आंसर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। यहाँ पूछ रहा है किस तत्व की प्रचुरता है, सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है, तो क्लोरीन है। और ऐसे समुद्री जल में क्या पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं, और इसका सूत्र क्या होता है, NaCl, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड। इस तरह से हम लोग देखिए 50 क्वेश्चंस किए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जीके जीएस मिलाओ के क्वेश्चन था, ये सारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपका 50 में से कितना सही हुआ है, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए, और शेयर भी कीजिएगा ग्रुप वगैरह में, व्हाट्सअप में अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको पार्ट टू चाहिए, ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।